ये है पूनम रेस्टोरेंट इंदौर, और यहाँ पे बिल्कुल सामने ये सरदार पटेल की स्टैचू लगी है। सरदार पटेल की स्टैचू के सामने है बिल्कुल ये पूनम रेस्टोरेंट। और यहाँ पे यदि आपने घर जैसा खाना खाना है तो खाना यहाँ पे मिलेगा। आज मैं ये थाली खा रहा हूँ इनकी, और ये सब्जी है, इसको हम लोग तो घिया बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कद्दू बोलते हैं शायद इसको। ये वाली कढ़ी है, बहुत मस्त है, खट्टी खट्टी कढ़ी है। और ये दाल है, इसको यहाँ पे बोलते हैं तुअर की दाल, वैसे इसको अरहर की दाल बोलते हैं। और ये समझ नहीं आया अभी, हम तो तोरी कहेंगे इसको, बट अभी पूछता हूँ उनसे। तो इस सब्जी को क्या बोलेंगे सर, क्या नाम है इस सब्जी का? कमड़ा है, कमड़ा, गिलकी बोलते हैं। गिलकी, गिलकी बोलते हैं हम, शायद इसको तोरी बोलते हैं। तो वो है, और ये है साथ में चावल है, पांच रोटी मिलती हैं, और मैं खा रहा हूँ डीलक्स थाली। आपका क्या नाम भैया? राजेश। राजेश, और ये राजेश जी हैं यहाँ के वेटर हैं शायद, बड़े शेफ हैं यहाँ के, और बड़े प्रेम से खाना बनाते हैं और प्रेम से खाना खिला भी रहे हैं। डीलक्स थाली में जो है एक दाल है, दो सब्जी हैं, एक कढ़ी है, एक राइस है, पांच रोटी हैं, सलाद है। तो आप जब भी इंदौर आ रहे हैं और आपको अच्छा खाना चाहिए तो आप जो है पूनम रेस्टोरेंट पे खाना खा सकते हैं, 100% हमारी गारंटी है, यहाँ पे घर जैसा खाना मिलेगा। और ये वासुदेव जी हैं यहाँ के ओनर हैं, बहुत प्रेम से लोगों को खाना खिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपको यहाँ का खाना कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताइए, और मेरे को ये इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच। आ जाइए, आप लोगों को भी लंच करवाते हैं, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।